जन्म के पूर्व किए गए अल्ट्रासाउंड में नवजात शिशु का गलत अल्ट्रासाउंड रिपोर्ट दिए जाने के प्रकरण में जिला प्रशासन द्वारा सील किए गए अल्ट्रासाउंड सेंटरों को खोले जाने की मांग को लेकर भारतीय चिकित्सा संघ के प्रतिनिधि मंडल ने रविवार को गोरखनाथ मंदिर में प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ से मुलाकात की और उनके सामने अपना पक्ष रखा, जिसके संबंध में IMA के अध्यक्ष डॉक्टर मंगलेश कुमार श्रीवास्तव ने दूरभाष पर बताया कि दो बिंदुओं को लेकर मुख्यमंत्री जी से वार्ता की गई है। पहला बिंदु लाइसेंस को लेकर तथा दूसरा मामला महानगर में सील किए गए 3 अल्ट्रासाउंड सेंटरों को लेकर था, जिस पर मुख्यमंत्री ने सकारात्मक वार्ता करते हुए उच्च स्तरीय कमेटी बनाकर जांच कराने की बात कही है। IMA के अध्यक्ष डॉक्टर मंगलेश ने आज भी दोहराया है कि जिला प्रशासन द्वारा वैज्ञानिक तथ्यों को नकारते हुए गलत तरीके से कार्रवाई की गई। इस संबंध में गोरखपुर न्यूज से बात करते हुए भारतीय चिकित्सा संघ के अध्यक्ष डॉक्टर मंगलेश कुमार श्रीवास्तव ने कहा, महाराज जी से बहुत सौहार्दपूर्ण वातावरण में बात हुई और काफी उन्होंने आश्वासन दिया। हम लोगों के दो बिंदु थे, एक तो CMO रजिस्ट्रेशन का एक मसला चल रहा था जो कि ये मार्च में खत्म हो रहा है हम लोगों का रजिस्ट्रेशन, तो उस संदर्भ में बात हुई तो उन्होंने कहा भाई देखिए ये ऐसे ही टालते रहेंगे तो ये बहुत लंबा टलता रहेगा, तो ऐसे में जो है बेहतर ये होगा कि आप लोग जो है इसका रजिस्ट्रेशन करा लें। हम लोगों ने कहा महाराज जी 3 ही महीने बाद फिर करना पड़ेगा, तो या तो आप एक काम ये करवा दीजिए तो बड़ी कृपा होगी कि भाई इसी को जो हम लोग का रजिस्ट्रेशन करवा रहे हैं उसको अगले वाले को कम से कम 15 महीने का करवा दें, जिससे ये चीजें जो है स्मूथ रहे, तुरंत ही तुरंत फिर करें, आज करें फिर 3 महीने बाद करें, इस बात के लिए उन्होंने आश्वासन दिया है। और दूसरा मसला आप जो इस समय बहुत गंभीर चल रहा है कि जो हमारे 3 डॉक्टर की क्लिनिक जो है, हमारे 3 सदस्यों की क्लिनिक इस समय बंद कर दी गई है, जबकि PCPNDT के एक्ट के अंतर्गत उनका बंद करना ये नियम के अंतर्गत नहीं आता, ये नियम के एक तरह से विरुद्ध कार्य हुआ है। तो इस पे महाराज से हम लोगों ने चर्चा की तो उस पे उन्होंने जो है चीजों को संज्ञान में लिया और बताया कि भाई ठीक है मैं इसको देखता हूँ कि क्या कार्रवाई हो सकती है और मेडिकल बोर्ड भी बनाने की जल्दी से जल्दी कोशिश करके, मेडिकल एक नया बोर्ड बना के जिसमें एक उच्च स्तरीय हो और उसका एक एक उसमें क्या निर्णय आता है उस हिसाब से हम लोग काम करेंगे और देखते हैं कि इसको खुलवाने की दृष्टिकोण से भी क्या हो सकता है। डॉक्टर साहब एक बात बताइए कि ये कहीं न कहीं से क्रिमिनल नेग्लिजेंस का मामला आता है कि नहीं आता है? क्रिमिनल नेग्लिजेंस जी नहीं, क्रिमिनल नेग्लिजेंस का जहां तक आपने सवाल किया तो इसमें क्रिमिनल नेग्लिजेंस कहां हुई? सर आप अल्ट्रासाउंड करते हैं तो अल्ट्रासाउंड के जो भी एक्सपर्ट तो आप ही हैं, ओपिनियन आप ही देते हैं, तो इस ओपिनियन में अगर डॉक्टर्स ने अलग अलग स्टेज में, आपने कल हमारे टीवी चैनल को जो बताया था तो उसमें आपने एक बात कही थी कि साहब ये एक्शन गलत लिया गया है, सर जो पीड़ित व्यक्ति है उसके हिसाब से नजरिए से आपको सोच के ये बताइए कि सर उसको क्या न्याय मिलेगा? मैं आपने बात पूछी कि एक मानवता के दृष्टिकोण से उसको हम उसके प्रति हम लोग भी संवेदनशील हैं कि उसके साथ बहुत दुर्भाग्यपूर्ण रहा, किंतु अगर आप वैज्ञानिक तथ्यों के आधार पर देखेंगे तो जो ये लिम्स की जो आर्म्स आर्म और पैर हाथ और पैर के जो बनने वाली चीजें होती हैं इनमें एक बहुत बड़ी स्टडी का कल हम लोगों ने कल भी जो है प्रेस वार्ता में भी जो है उसके सारे किताब की फोटोकॉपी सभी चैनल वालों को दिया गया था, उसमें ये बाकायदा लिखा हुआ है कि कुल जो है 82% में मिस होने के चांसेस होते हैं, जबकि ये स्टडी जो है एक दो लोगों की नहीं थी, 2 लाख लोगों के ऊपर थी और 19 अलग अलग यूरोपीय देशों की ये स्टडी है। तो जिस चीज में 82% की संभावना गलत होने की केवल 18% में आप पकड़ पाते हैं तो ऐसे में आप केवल चिकित्सक वर्ग को कैसे दोष दे सकते हैं? ये पूर्णतया जो है एक इमेज किस तरह से जाता है उसके ऊपर जो है वो निर्भर करता है, और शायद इसीलिए जो है इतने जो 2 लाख की स्टडी हुई और उसमें भी करीब करीब 82% में जो है ये नहीं पकड़ पाए जितनी कंजनाइटल एनोमली, अरे ये खास तरह वाली कंजनाइटल एनोमली थी वो नहीं पकड़ पाए, तो आप किस आधार पे इसको दोष देंगे कि हमारे ये 3 चिकित्सक ही दोषी हैं? नहीं बस दोषी की बात नहीं कर रहा हूँ, एक बात मैं ये कर रहा हूँ कि सर ये नेग्लिजेंस की बात मैं कर रहा हूँ। अगर नेग्लिजेंस आप कैसे कहेंगे,
सर, अगर सर, अगर 82% पकड़ नहीं पाते हैं तो कैसे नेग्लिजेंस हुआ सर? इसीलिए अगर ये बात आप 82% वाली बात थ्योरी बात बताते हैं तो ये डॉक्टर्स की ही तो एक तरीके से ओपिनियन बनी होगी कि भ्रूण हत्या को रोकने के लिए अल्ट्रासाउंड के बारे में लिखा जाता है अभी के यहाँ कि साहब भ्रूण के बारे में हम जांच नहीं करेंगे। तो उसमें तो मेल फीमेल नहीं बताएंगे ना सर? तो अगर कोई अंग विकसित नहीं है तो अंग विकसित होने की श्रेणी में जो 82% आप बता रहे हैं, क्योंकि हाथ और जो जो बॉडी पार्ट जो प्राइवेट बॉडी पार्ट्स होते हैं उसके डेवलपमेंट में सर, उसके डेवलपमेंट में तो उसकी साइज तो और छोटी होती है, और ये हैंड्स वगैरह जो होते हैं तो बड़े होते हैं। उल्टा है हार्ट, देखिए हार्ट की किडनी की ये इसमें कम मिस होने के चांसेस कम है। हाथ और पैर में जो ये स्टडी ज्यादा की दिखाई गई है सर, ये यही तो मैं आपको बता रहा हूँ। ये आपको सुनने में एक आम आदमी की तरह से आपको लग रहा होगा कि भाई ये चीज तो बड़ी है, ये आराम से दिखनी चाहिए, बनिस्पत जो है किडनी और ये बच्चों की किडनी कितनी बड़ी होगी, जब हम लोग की किडनी जो 8 इंच की होती है तो बच्चों की किडनी कितनी बड़ी होगी आप सोच सकते हैं, लेकिन उसमें उन चीजों के मिस होने के चांसेस कम होते हैं, इसमें हाथ और पैर के मिस होने के चांसेस ज्यादा है, यही तो मैं आपको बता रहा हूँ सर। ठीक है सर, एक बात बताइए कि उस जो पीड़ित पक्ष है उसके लिए कुछ IMA कुछ सोचा है कंपनसेट करने के लिए या उसके बारे में? नहीं, वो हमसे संपर्क करेंगे। देखिए IMA जो है एक मंदबुद्धि बच्चों के लिए भी एक अलग से स्कूल मंदबुद्धि बाल संस्थान यहाँ पर चलाता है, और विगत मैं समझता हूँ करीब करीब 27 वर्षों से वो विद्यालय चल रहा है, तो हम लोग कहीं ना कहीं उनको भी मदद करने की कोशिश करेंगे, लेकिन अगर अभी तक तो उनसे खैर कॉन्टेक्ट ही हम लोग का हमेरा तो व्यक्तिगत तौर पर नहीं हो पाया है, हम लोग उस पर भी अगर वो अगर ऐसी कोई चीज रखेंगे तो निश्चित तौर पर विचार किया जाएगा सर। इसमें तो बेटर तो ये रहेगा ना कि IMA जो है खुद चूंकि डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट महोदय के सामने ये अपना प्रस्ताव रखे कि साहब हम वो तो सारी चीजें कंप्लेनेंट को भी जानते हैं और आप जो भी प्रस्ताव रखेंगे एज ए ह्यूमन ग्राउंड पे तो वो तो रख ही सकते हैं ना, वो तो आपके पास ऑप्शन खुला हुआ है। ऑप्शन खुला हुआ, अच्छा फिर तो आप कहेंगे कि आपका दोष था इसलिए जो है आपने ये ऑप्शन अपने आप दिया सर। एक सर मैं ये बात नहीं कर रहा हूँ, मेरी बात एक ही है कि सर अगर दोषी निर्दोष साबित होना भी एक अलग प्रोसीजर है, अगर सर ये हाँ तो उस प्रोसीजर के लिए देखिए गलती ये इस चीज को अगर वो मानते हैं कि ये कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट के अंतर्गत हमको जाना चाहिए तो वो जाने के लिए स्वतंत्र है, उसमें तो नहीं कोई मना कर रहा है कि आप ना जाएं। अगर इसमें डॉक्टर का दोष साबित होगा तो बिल्कुल डॉक्टर कंपनसेट करेगा, वो तो पर्सनल कैपेसिटी में ही कंपनसेट करेगा, या फाइन कह लीजिए कंपनसेट क्या करेगा, फाइन को एक्सेप्ट करना पड़ेगा। नहीं सर ये तो फिर वो मुकदमेबाजी की बात हो गई ना सर, ये अपने सबसे IMA एज ए इंडिपेंडेंट बॉडी है तो ये क्या कोई प्रस्ताव दे रहा है डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन को? अभी ऐसा कुछ नहीं है, ना उनसे हमारा कोई संपर्क हो पाया है ना वो, लेकिन अगर इस तरह की बात आएगी तो जरूर IMA के सदस्य सभी बैठ के सोचेंगे उसमें क्या किया सकता है, वो करने की कोशिश की जाएगी। मेरी बात ये नहीं है कि आप उस एग्री पर्सन से बात करें, मेरी बात एक ही है कि क्या आप डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन से या एडमिनिस्ट्रेशन से कोई आप इस टाइप का प्रस्ताव दे रहे हैं? नहीं, उस दिन जिलाधिकारी महोदय से जब बात हुई थी हम लोगों की पर्सनल ग्राउंड पे, हम लोगों ने ये बोला था कि भाई अगर आप उससे बात कर लीजिए, अगर कहीं ना कहीं संवेदनाओं को का संरक्षण करते हुए हम लोग भी इस चीज को तैयार हैं कि कुछ ना कुछ इसकी मदद की जाए। मदद की बात तो एक बात है सर, ये है कि उसकी लॉन्ग टाइम तो वो डिसेबल रहेगा, फिजिकल डिसेबल रहेगा, इसके बारे में आप लोग क्या ओपिनियन है? इसके बारे में क्या ओपिनियन है, मैं क्या मतलब जिसे वो डिसेबल बच्चा रहेगा, फिजिकल डिसेबल रहेगा, वो आजीवन के लिए रहेगा, तो उसके बारे में आप उसके प्रोग्रेस तो उसमें आप क्या चाहते हैं डॉक्टर से? क्या मेरी बात नहीं है सर कि मेरा कोई सवाल नहीं, नहीं, मेरा तो एक सवाल नहीं, हमने तो आपको बता ही दिया कि जो है जैसे जिलाधिकारी महोदय से बात हुई उससे भी हम लोगों ने उनको ये कहा था कि भाई देखिए अगर उसमें कुछ अगर डॉक्टरों से सहायता की जरूरत है, ये लाइफ टाइम तो उसका कोई कैसे क्या करेगा, कैसे हम आज अध्यक्ष हैं, आज हम हाँ कर दें और कल दूसरा अध्यक्ष होगा वो मना कर देगा तो कैसे क्या करेंगे, तो इसलिए कहीं ना कहीं सारे लोग मिल बैठ के ही सोचेंगे, और जिलाधिकारी महोदय से इस बारे में जो बात हुई थी उस संदर्भ में हम लोग सोचेंगे करेंगे। बात हुई थी आपके जिलाधिकारी महोदय से?
हाँ जिला दायित्वधारी महोदय से हम लोग करीब आधे घंटे वहाँ बैठ के चर्चा हुई थी, सारे बिंदुओं पर चर्चा हुई थी। इसका मतलब एक कमेटी आप लोग की बन रही है ये इसके जांच के लिए, ये पूरे मैटर की जांच? हाँ कमेटी, जी हाँ जी हाँ, कमेटी का तो हम स्वागत करते हैं। इसमें कमेटी में जिन बिंदुओं का उन लोगों ने कोई उल्लेख ही नहीं किया उस पर, तो हम उस पर क्या नाम है एक हाई कमेटी का, जिसमें हम लोगों ने ये एक रखा है कि भाई मेडिकल कॉलेज या एम्स कहीं से भी एक एक्सपर्ट लोगों को रखा जाए और उनके सामने हम अपनी बात रखेंगे कि भाई ये चीजें हैं, ये वैज्ञानिक तथ्य ये हैं, तो फिर आप बताइए कि इसमें हमारे डॉक्टर ये तीनों हमारे सदस्य कहाँ दोषी हैं। अगर दोष है आप दोषी करार देते हैं तो निश्चित तौर से जो है उनको हम लोग सोचेंगे कि जो है उनका बायकॉट किया जाए। ओके जी, ओके, थैंक यू थैंक यू।